आपका नाम क्या है? रंजना। संजना? रंजना। रंजना, आपको बड़े होके क्या बनना है? बहुत अच्छा है, उड़ने का मन है जी बेटा। कहाँ उड़ना है? आसमान में। मैम हमको पुलिस बनना है। मैम आजकल देख रहे हैं कि लड़कियों का छोटे पे भी शादी हो जा रहा है, बच्चे छोटे ही रह रहे हैं तो माता पिता शादी कर दे रहे हैं गांव में, तो उसके लिए थोड़ा सा बताना होगा सबको। और फिर लड़कियां अगर पेट में ही रह रही हैं तो उसका ऑपरेशन करा दिया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड करके लोग पता कर रहे हैं कि लड़की है कि लड़का, लड़का हो रहा है तो उसे खुशी हो रही है, लड़की हो रही है तो उसे मार दिया जा रहा है अंदर ही, क्योंकि लड़कियों को सब लोग ज्यादा पसंद नहीं करता है। मैडम वो लोग सोचते हैं कि लड़के रहेंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे और लड़कियां रहेंगी तो उनको ज्यादा सोचते हैं कि लड़कियां रहेंगी तो उधर उन लोग की शादी होगी तो उन लोग के ससुराल वाले सामने सिर झुकाना पड़ेगा, लड़के रहेंगे तो और दहेज लेंगे और लड़कियों में दहेज देना पड़ेगा और उन लोग के सामने सर झुकाना पड़ेगा, लड़कों में तो हम लोग दहेज होगा, अगर लड़का है तो उसके शादी में दहेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, खुशी रहेगी, और लड़कियों की शादी में तो लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग आज के जमाने में ऐसा हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड करके लड़के को मार देना। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, खुशी खुशी से गाना गाए, खुशी खुशी से गाना गाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, खुशी खुशी से गाना गाए, खुशी खुशी से। उसमें से एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बचे जीरो। स्त्रियः पुरुषाश्च मिलित्वा समाजस्य निर्माणं कुर्वन्ति, समाजस्य परिवारस्य च भारं वहन्ति, परन्तु समाजस्य कल्याणं तदा एव भवति। तो शुरू शुरू में जब आई तो मतलब बच्चे थोड़ा इस ग्रुप से थे, थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन फिर बाद में रहते रहते इन बच्चों के साथ मुझे रहना इसलिए अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं, ये लगता है कि हम बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जो शायद कम लोग कर पा रहे हों। वैसे तो टीचर सभी जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, पैसा पाते हैं, लेकिन पैसा मुझे भी मिल रहा है, लेकिन साथ साथ इन बच्चों की जो सिंपैथी मिलती है हमको और अपनत्व की जो भावना मिलती, इन बच्चों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये बच्चे हमारे जो बिल्कुल बेकार हो रहे थे उसको अगर हम अच्छे नागरिक के रूप में तैयार कर रहे हैं तो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। प्राइमरी में पढ़ते थे तो हमारा मन नहीं करता था उसमें पढ़ने का, उसमें पढ़ाई भी नहीं होती थी, बस मैडम सर आते थे, बैठकर कुर्सी पर फिर चले जाते थे, बच्चे चाहे मार करे चाहे पीट करे चाहे मरे चाहे जो भी करे, सर नहीं बोलते थे सर मैडम, इसलिए मैं हम अपना घर पे छोड़ दे, हम घर पे ही रहते थे। एक दिन एक तब पेपर में निकला था तो मेरी बुआ एक खोएँ वो आंगनबाड़ी में पढ़ाती हैं, वही हमको यहाँ पर लेकर आई, मेरा नाम लिखवाई यहाँ पर, तो हम पढ़ने लगे। Go, look. कस्तूरबा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि बहुत सी सर्व शिक्षा में योजनाएं चल रही हैं, जूनियर हाई स्कूल जूनियर चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं,
उसमें बच्चों को ले आया जा रहा है स्कूलों में, लेकिन वो बच्चे आते हैं घर से और फिर वो घर चले जाते हैं, फिर वो उसी माहौल में लौट जाते हैं। तो जो प्रोग्रेस बच्चों को दिखनी चाहिए थी वो कम दिखती है, खासकर लड़कियों के लिए। थोड़ी भी बड़ी हो जाती हैं तो माँ के काम में, घर के काम में वो हाथ बटाने लगती हैं, तो शिक्षा के प्रति वो चीज़ नहीं रहती है जो होनी चाहिए। ऐसे परिवार हैं जो बच्चों को फीस की वजह से नहीं पढ़ाते हैं, उनका मुख्य है कि हम पहले खाने का इंतज़ाम करें तब हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो सरकार की सोच ये रही कि इन बच्चों, गरीबी रेखा के नीचे की लड़कियों को 6 से 14 साल की, जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया है, 1-2 में स्कूल गई, 3 में गई, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको हम उनका एडमिशन ले लें ऐसी जगह जहाँ वो घर से आके हॉस्टल में ही रहें, पूरे 24 घंटे की दिनचर्या उनकी यहीं रहे, उनके लिए रहने खाने पढ़ने सारी व्यवस्था हम करें कि बच्चा उस माहौल में रह के अच्छे से जो उसके स्किल है उसको अच्छे से डेवलप कर सके। मैम टीचर बनना है। मैम बताएं। साइंस मैथ्स इंग्लिश। माँ बाप खुद इनके कहते हैं मीटिंग में कि बताइए ये बोलती नहीं थी, ऐसे नहीं करती थी, ऐसे जवाब दे देती है, मैं अगर ये काम करती हूँ तो मुझे ही ढंग सिखाती कि ऐसे नहीं वैसे करना है। तो खैर माँ बाप ये समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, अगर बच्चे सीख रहे हैं कह रहे हैं तो बच्चे हमको भी सिखा रहे हैं और अपने खुद भी सीख रहे हैं, इनके लिए ये अच्छा है। माँ बाप भी खुश होते हैं देख करके कि हमारी बच्ची में इतना बदलाव हुआ कि जो कि मतलब सारे बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में हमारे अगल बगल नहीं भी है, जो कि इनके लिए अच्छा है। माँ बाप भी ये भले जानते हैं, कहते हैं कि जैसे ये बाल विवाह का, ये जल्दी शादी का ही है कि हमारे आस पड़ोस में सब लोग कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं करोगे अच्छा नहीं, ये तरह तरह की बातें फैलती हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, ठीक है हमारी बच्ची पढ़ रही है तो हम नहीं करेंगे, हमारी बच्ची नहीं तैयार है कि दूसरे के कहने से क्या होता है। तो धीरे धीरे पेरेंट्स में भी बदलाव आ जाता है बच्चों के थ्रू। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते हैं कि हम कितने भी गरीब हैं, हमको अपनी पगड़ी भी उतारनी हो तो हम अपनी पगड़ी भी उतार देंगे, लेकिन अपने बच्चों को, तीनों को पढ़ा के अपना नाम रोशन करेंगे, क्योंकि लड़कियां आज का, मेरे मम्मी पापा भी यानी सबके मम्मी पापा देख रहे हैं कि लड़कियां ना यानी कितने ऊपर जा रही हैं। और तो इसीलिए हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तुम जितना पढ़ोगे हम अपना घर बेच के तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन तुम अगर नाम रोशन करना है बेटा तो हम लोग, तुम लोग मेरे बेटे समान हो। आज के ज़माने में शिक्षा के बिना सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी हो रही हैं, अगर आदमी कम से कम पढ़ा लिखा रहेगा तो कुछ भी कहीं उसको अगर मिल गया देखने तो वो उतना तो देख समझ सकता है कि दुनिया में बहुत कुछ। बिना पढ़े आज के ज़माने में मतलब अपने विकास के लिए, साथ अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपने परिवार के लिए, उसके साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी पढ़ना सबसे ज़रूरी है। अक्षर ज्ञान से नहीं मतलब है, मतलब है उनकी सोच डेवलप होनी चाहिए, उनकी सोच और ऊंचे स्तर पे जानी चाहिए। इन्हीं बच्चों में से अभी हम तो लाए, बिल्कुल रॉ मटेरियल यहाँ लाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं इन बच्चों में से कितना कैलिवर, कितने बच्चों में है वो, कितना आगे जाएंगे। तो एक शिक्षा के भी यही एक माध्यम है जिससे हम इन प्रतिभाओं को निकाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आगे राष्ट्र का निर्माण यही बच्चे करेंगे, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है।